दल श्याम घन मूरति रघुकुल कीर्ति चंद्र बीरावर सत्य संध मन मधुर वचन अयोध्यापति दया कर राम राघव दया कर राम राघव लोड़ा नहीं जन्म मृत्यु कर लाघव जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन असरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटी अशी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सव्य सव्य भव्य भव्य प्रलव्य प्रलव्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृतकर्ता अमृत ममता अदृष्ट द्रष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररु आज पवित्र राम नवमीर ये दिव्य अवसर रे ये भव्य मुहूर्त रे मध्यान समय रे आज जो राम सोई जगदीश प्रभुंकर दर्शन करुचाह सिंहद्वाररु अरुणस्तंभ सन्निकटरु अरुणस्तंभ चकड़ारु आज भक्त आज प्रभु को राम रूप से चिंतन करुछंती आज प्रभु को राम रूप से दर्शन करुछंती श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रतिशजे अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखंती जे आज धन्य ही जाउछंती नर नारी माने आज सतेज परी ये तो पुरी महाप्रभुंकर क्षेत्र एठी प्रति युगर लीला करुछंती महाप्रभु सत्य रे मर्त्य रे नर हरित रे बधिल विरहरण्य हिरण्य सत्य युगर लीला त्रेता युगर लीला द्वापर युगर लीला आउ कली युगर तो स्वयं महाप्रभु निजे नीलगिरी श्वेत पीत कृष्ण वर्ण मधुर पयरु झरे मकरंद मधुकर गोपी मन आहा प्रभु आपण उछंती राम जी राम से ही जगन्नाथ महाप्रभु राम रूप रे अवतार नहीं चंती महाप्रभु कृष्ण रूप रे अवतार नहीं चंती जेते अवतार अवतारी होती जगन्नाथ जी राम सी होती जगन्नाथ प्रभु कोदंड कोदंड धनु को धारण करी दंडकारण्य राम रूप रे विचरण करी पुणी जमुना कूल रे कदंब मूल रे अधरे विनिवेश्य वंशनाडंग वंशी वादन तत्पर वंशी वादन करी महाप्रभु गोपी मानंक सहित कौतुक क्रीड़ा करी महाप्रभु भूयो नमः कौतुक लंपटाय भानुद भवारम्य तटी नटाय तेणु जी राम सी जगन्नाथ आज पवित्र रामनवमी ये रामनवमीर दिव्य अवसर रे जय जगन्नाथ टीवी रे प्रभुंकर दर्शन करुवा प्रभुंकर कथा को श्रवण करुवा अगणित अनंत जगन्नाथ प्रेमी भक्त भक्ता मोर बापा माँ भाई भौनी समस्तंकु ये अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुची जय जगन्नाथ एवं जय श्री राम आज हूँ पवित्र रामनवमी आहा आउ रामनवमी रे प्रभुंकर मुख को देखते आज पद्ममाल महाप्रभुंकर अधरर निम्न देशरु सुंदर भाव रे अधर चुंबित माल ये आज पद्म पद्मरे माँ लक्ष्मी निवास करती तेणु पद्मानने पद्म बी पद्म पत्रे पद्म प्रिये पद्म दलाय ताक्षी विश्व प्रिये विष्णु मन नकुले तत्पाद पद्म मई सन्निधस्व पद्म पद्मजा पंकजा पंकजिनी ये लक्ष्मींकर सब नाम कारण भगवती महालक्ष्मी पद्मरे निवास करती पद्मालया बोली कहुए लक्ष्मी को एवं महाप्रभु को पद्मफुल एत प्रिय पद्मफुल जी अर्पण करदेव और महाप्रभु भावती जे लक्ष्मी तार निवास सहित मोर श्रीअंग निवास करुच्चे तेणु पद्म एत प्रिय महाप्रभु को महाप्रभुंकर आखि हूँ पद्म महाप्रभुंकर अधर हूँ पद्म महाप्रभुंकर पाद हूँ पद्म नमः पंकज नाभाय नाभि हूँ पद्म
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तेणु प्रभु प्रभु पद्म को भारी भल पाती आई पद्मनयन महाप्रभु रामावतार रे प्रभुंकर दिव्य लीला विचित्र लीला किपर लीला जिते बड़े दुष्ट मानकर अत्याचार बढ़ीगला रावणर अत्याचार बढ़ीगला से देवता माने पृथ्वी माता जाकि प्रभु निकट स्तुति कर महाप्रभु जिते बड़े देवता माने पचार जे कौटी अच्छा महाप्रभु कारण प्रभु कौटी कारण ये रावणर अत्याचार एते बढ़ी गला जे क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली हही आई तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। ये क्षुधारे क्षीण दुर्बल ही गले देवता मान बाध्य होकरी आम पाखु को आसीबे सेते बेले मु सेमानंकु मारी देबी नचेत संपूर्ण रूप से निजर अधीन करिकिरी छाड़ी देबी। रावण ई विचार कला रावणर पुत्र मेघनाद मेघनाद कहू पुनिह करावा दिन्हि सीख बलु बयरु बढ़ावा। सकल देवता मानंकु निजर दास करिवा लक्ष्य रे रावणर अत्याचार एते बढ़ी गला प्रभु केते बेले अवतार नहींथिले ना द्वापर युग त्रेता युगर संधि समय रे प्रभु केते बेले अवतार नियंती ना युगर संधि समय रे प्रभु अवतार नियंती एवं कली युगर जो अवतार टी बाकी अछि हव प्रभुंकर को अवतार कल्की अवतार म्लेच्छनि वहनि धने करयसि कर बालम धूम के तुमिब किमपि करालं केशव धृत हरिकल्कि शरीर जय जगदीश हरे। प्रभु कल्कि अवतार नहींकरी आसवे केतेबेले अथासो युग संध्यायं दस्यु प्रायेषु राजसु युगर संधि समय प्रभु अवतार निमित्त शास्त्र शास्त्रंकर वाक्य ये शास्त्र प्रमाण करुछंति पुणि परमशास्त्र भागवत भागवत कहते युगर संधि समय रे भक्त मैंने देखते आज मध्यान समय ये यही समय टी हूँ प्रभुंकर अवतार समय राम जन्म होते नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास अर्थ चैत्र मास चैत्र मास को मधुमास बोली कह जा बेसी थंडा नुह बेसी गरम नुह ये मधुमास वृक्ष लता नदी ये सब ये सुंदर परिवेश ये परिवेश रे प्रभु अवतार नहीं एवं मध्यान समय रे प्रभुंकर दिन बार समय रे दिन बारटार प्रभु प्रकट होते कृष्ण अवतार रे जगन्नाथ महाप्रभु जिते बड़े कृष्ण अवतार धारण करते नहीं से समय रे रात्र राति बारटा निषार्धरे तेणु भगवान कृष्ण रूप से जो अवतार नहीं थे राति रे राम रूप से दिव मध्यान रे दिवस रे प्रभुंकर ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम तेणु रावण जिते बड़े अत्याचार बढ़ीगला रावणर से देवता माने कौन कले देवता माने कारण रावण एमती अत्याचार कला जिते बड़े रावण ये पृथ्वी से चलुला पृथ्वी थरवाक लगुला कंपमान होता पृथ्वी पृथ्वी किए पृथ्वी होती भगवान पत्नी आपण कहे पृथ्वी केमती भगवान पत्नी बराह अवतार रे पृथ्वी को ही भगवान उद्धार कर जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे रत्न सिंहासन जो सप्तावरण विग्रह विराजमान कर सप्त विग्रह श्रीदेवी भूदेवी भूदेवी होती प्रभुंर पत्नी एवं आम मैंने जिते बड़े सका उठुचु कौन कहचु भूमिस्पर्शन पूर्वर आग सका शज्ञा त्याग कर सारे आम कौन विष्णु पत्नी क्षमा आम विष्णु पत्नी की कहचे पादस्पर्शम क्षमस्वी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वी समुद्रे वसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वी ये धरित्री पृथ्वी होती भगवान पत्नी
आउ भगवानंकर पत्नी होउचंती धरित्री जेतेबेले रावण चालुथला सेतेबेले पृथ्वी थरुथले भयरे थरुथले आउ जब लो जब जोग विरागा तब मख भागा श्रवण सुनई दशशीषा आपन उठ आपन उठि धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा अशभ्रष्ट चारा भा संसारा धर्म सुनिया नहीं काना तई बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। जप जोग वैराग्य तप एवं ये यज्ञर जो देवता मानंकु भाग दिया जाउची बोली जदि रावण कानर पड़ुला तबे से कौन करुला ना स्वयं सांगे सांगे उठिकी सेठा को दौड़ी जाऊला धाईकी जाऊला आ कबल यज्ञ किसी भी रक्षा पाई नाला सब नष्ट कर दौला सब ध्वंस कर दौला रावण। आनंद बजार आहा आखिरे देखुची महाप्रसादर गंध आघ्राण करुची आनंद बजार को देखीदे आपणकर आग महाप्रसाद कथा मन पड़ो कहीं प्रभु होती अमृतं तदि नैवेद्यम भगवान होती सच्चिदानंद नैवेद्य होती अमृत से नैवेद्य सकल जीव मान आशा कर प्राप्त हवापी देखत आज प्रभुंर आविर्भाव ये आकाश निर्मल आज परेश आनंद लगुच कहले प्रभु प्रगट होती राम लला महाप्रभुंर आज जन्मतिथि आप भल भाव देखते परेश गछ हसुची वृक्ष लता जड़ चेतन समस्ते आज आनंद अच्छा कहीं जो आनंद सिंधु सुख राशी सी करते त्रैलोक्य सुपाशी आज जेहेतु प्रभु प्रगट होती भगवान आविर्भाव होती आज समस्ते आनंद हो राम राम विग्रहवान धर्म धर्मर मूर्तिमंत विग्रह होती भगवान राम। तेणु रावण जितेबले अत्याचार बढ़ीगला एवं ये संसार कौन होला बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा ही सेवा राक्षस किए जितेबले पचारुछंती भगवान शंकर को माँ पार्वती प्रभु राक्षस किए भगवान शंकर कहते माँ नहीं मातु पिता गुरु देवा साधु न सन करवा वही सेवा बापा माँ को मानु नथेव आउ साधु संत पर धन पर स्त्री को लोलुप दृष्टि देखुथुब लंपट दुष्ट चोर जुआड़ीर संख्या बढ़ीगला जिते बड़े आउ माता पिता देवता मानू मानु नथिबे साधु मानंकर सेवा करिबा बदलरे साधु मानंकर सेवा तो करिबा दूरर कथा बरम सेमानंक द्वारा सेवा कार्य कराए जे कराए एवं भगवान शंकर कहउचंती हे पार्वती जिन्हके यह आचरण भवानी ते जाने हु निशिचर सब प्राण से माने हउचंती राक्षस। तेणु जितेबले अत्याचार बढ़ीगला ये सृष्टि सेतेबेले कौन कले समस्ते ना धरित्री माता पृथ्वी भगवानंकर पत्नी गाई रूप धारण कले धेनु रूप धरी हृदय विचारी गई तहां जहां सुर मुनि झारी ये धरित्री माता पृथ्वी गाई रूप धारण कले आउ गाई रूप धारण करी गले कुआड़े जितेबले एत अत्याचार बढ़ीगला रावणर देवता मैंने सब लुचिले जी जुआड़े जाइकी आउ कहार देखा मिलला ना देवता मैंने सब लुचिले रावणर भयरे देवता मैंने मुनि मैंने जितेबले लुचिचंती गाई रूप धारण कर पृथ्वी से स्थान को गले कांदी कांदी से मानंकु निजर दुख जनइले पृथ्वी पृथ्वी जितेबले दुख जनाउचंती किंतु कहा द्वारा किछि कार्य होई पारला ना किए कौन करिवो सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरी सर्वा गे बीरंचिके लोका समस्त मिसिकी ब्रह्मांग पाखक गले जितेबले ब्रह्मांग पाखक जाइछंती संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर न कछु न बसाई जा करिते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। जेतेले ब्रह्मांक पाखकु जाइछंति देवता मुनि गंधर्व मान एकत्र होइकरी एवं सत्य लोक को जाइछंति पृथ्वी माता गाय रूप धारण करि मध्य शोक व्याकुल अत्यंत होथवा विचारी पृथ्वी मध्य जेतेबेले जाइछंति ब्रह्मा सब जानिले मने मने अनुमान करिनेले जे एथेरे किछि भी करि पारिबा तांक पक्षरे संभव नुह। ब्रह्मा भी हाथ टेकि देले ब्रह्मा बर देइछंति रावण को आउ ब्रह्मा मध्य कहले मोर एतरे मु किछि करि पारिबि नाही मु कोन करिबि। एतबेले ब्रह्मा एक कथा चिंता करिछंति तेणु से आज पृथ्वी को कहउछंति धरणी को कहउछंति तुम्हें जहांकर दासी से अविनाशी हरि पाख को जाओ हरि हरि ही मोर एवं तुमर उभयंकर सहाय। आज जो ब्रह्मा कहिछंति हे धरणी मनरे धैर्य धरी श्री हरि को स्मरण कर भगवान को चिंतन कर तेणु जगन्नाथ को चिंतन कर आउ जगन्नाथ महाप्रभु निज दासी मानकर दुख जानिपारती कारण भगवान होती परम दयालु सेवक मानकर निज भक्त मानकर रुचि को सब वेले रखती राम सदा सेवक रुचि राखी आगम निगम संत सुर साखी। तेणु आज धरणी माँ कौन कले देवता माने सब बसिकी विचार कले प्रभु को कौटी पाइबा प्रभु कौटी अच्छा आउ किए कहले चल वैकुंठ को जीवा आउ किए कहले चल प्रभु क्षीरसागर अच्छा यहपरी केते कथा किए कहले जहाँ हृदय जेपरी भक्ति तापाई प्रभु सर्वदा से रूप से रीति से प्रकट हुए जादृशी भावना जैसी सिद्धिर्भवती तादृशी जार जमती भावना ताकू सेमती सिद्धि मिलना तेणु सुंदर भाव रे भगवान शंकर आज कहउछंती माँ पार्वती की हे पार्वती से समाज रे मु भी थी एवं सुजोग पाई मु कहली मो जानिबारे भगवान सर्वत्र अछंती समान रूप रे व्यापीकी रहिछंती हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट तेहि में जाना भगवान सबु स्थान रे सबु रूप रे समान अवस्था रे व्यापक होकर व्याप्त होकर अछंती हरि व्यापक सर्वत्र समाना सबु जगह रे भगवान अछंती जे किंतु केमिति प्रगट हेबे प्रेमते प्रगट तेहि में जाना प्रेम द्वारा प्रकट हो जाती प्रभु भगवान शंकर पार्वती कौन मु भी से देवता मानक भितर थी आहा नील चक्र देखु आज प्रभुंर जेहेतु प्रगटर दिन राम जन्म राम नवमी आज समस्ते सते जेपरी आनंद कारण जोई राम सोई जगदीशा आउ महाप्रभुंर पतित पावन बाना देखु आज पतित पावन बाना सते जेपरी आनंदर सहित प्रसन्नर सहित प्रभु जमी जन्म होती अवतार नहीं आज जेहेतु दिन सी मध्य तांकर मध्य द्वापर युग कथा प्रभुंकर त्रेता युग कथा मन पड़ जाइछि त्रेता युग रे रामंकर अवतार कथा मन पड़ जाइछि आउ महाप्रभुंकर श्रीमुख को देखंतु महाप्रभुंकर मध्य मन पड़ जाउछि प्रभु ए बलियार भुज आपण त्रेता युग रे केउ केउ लीला करथले महाप्रभु बसिकरी भाबुछंती आउ भक्त जेतेबेले राम रूप रे आज प्रभु को प्रणाम कर दउछंती आज प्रभु हसुछंती आहा कि अधर प्रभु आज आपण कोदंड प्रभु धरी नाहंती सत्य किछि न धरी भी सबु धरी छंती आपण किछि न कहि सबु कहु छंती आपण सबु देखु छंती आपण बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बकता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु बास शेष तेणु प्रभुंकर ये राम अवतार रे भगवान रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम जेतेबेले आज दिन में अवतार नहीं प्रभु आज देखते समस्ते प्रसन्न आज सकल जीव जगत आज आनंद रे आनंद कंद आनंद सिंधु सुंदर भाव रे आज आनंद रे अच्छा एवं महाप्रभुं आउ गोटे जिनस लीला जिते समस्ते
ଶିବଙ୍କର ବଚନକୁ ଶୁଣିକରି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣିକରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ନୟନରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତହୁ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକରି ସାବଧାନ ହୋଇ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାର ଏପରି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସକଳ ଦେବତା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପୃଥିବୀ ଆଜି ଗାଈ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କ'ଣ ସେ ସ୍ତୁତି? ଜୟ ଜୟ ସୁର ନାୟକ ଜନ ସୁଖଦାୟକ ପ୍ରଣତ ପାଲ ଭଗବନ୍ତା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏ ରାମ ଜନ୍ମ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଜୋଇ ରାମ ସେଇ ଶୋଇ ଜଗଦୀଶା, ଯିଏ ରାମ ସିଏ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ, ଜଗନ୍ନାଥ କାହାଠାରୁ ନୁହନ୍ତି, ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାମାବତାରରେ ଥିଲେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅବତାର ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି? ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ସ୍ତୁତିକି ପାଠ କରିବା, ଜୟ ଜୟ ସୁର ନାୟକ ଜନ ସୁଖଦାୟକ ପ୍ରଣତ ପାଲ ଭଗବନ୍ତା, ଗୋଦିଜ ହିତକାରୀ ଜୟ ଅସୁରାରୀ ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ପ୍ରିୟ କନ୍ତା, ପାଲନ ସୁରଧରଣୀ ଅଦ୍ଭୁତ କରଣୀ ମର ମନ ଜାନଇ କୋଇ, ଯୋ ସହଜ କୃପାଲା ଦୀନ ଦୟାଲା କରଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୋଇ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ଜାନି ସଭୟ ସୁର ଭୂମି ଶୁନି ବଚନ ସମେତ ସ୍ନେହ ଗଗନ ଗୀର ଗମ୍ଭୀର ଭଇ ହରଣି ଶୋକ ସନ୍ଦେହ, ଭଗବାନ ପ୍ରଗଟ ହେଲେ। ଦେବଗଣ ଓ ଧରଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହାସିକ୍ତ ବଚନକୁ ଶୁଣିଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ, ଶୋକ ସନ୍ଦେହକାରୀ ଗମ୍ଭୀର ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଆକାଶବାଣୀରେ କ'ଣ ବାଣୀ ନା, ହେ ମୁନିଗଣ ସିଦ୍ଧଗଣ ସୁରେଶ୍ୱରଗଣ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବି, ଆରେ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବି, ପରମାତ୍ମା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଦାର ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ନିଜ ଅଂଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କଶ୍ୟପ ଅଦିତି ମହାତପ କିହ୍ନା ତିହ୍ନକଉଁ ମେ ପୂରବ ବରଦିହ୍ନା, କଶ୍ୟପ ଅଦିତି ମହାତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେହି ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜାତ ହେବି। ତିନକେ ଗୃହ ଅବତରି ହଉଁ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତିନକେ ଗୃହ ଅବତରି ହଉଁ ଯାଇ ରଘୁକୁଲ ତିଲକ ସୋ ଚାରିଉ ଭାଇ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ବିରଞ୍ଚି ଗେ ଦେବନ ଲହଇ ଶିଖାଇ ବାନର ତନୁ ଧରି ଧରି ମହି ହରିପଦ ସେ ବହୁ ଯାଇ। ଆଉ ଆଜି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ଧରଣୀକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ସେ ବି ନିର୍ଭୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଗଲେ, ଭୟହୀନ ହୋଇଗଲେ, ଅଭୟବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ଆସିଗଲା, କାହାଙ୍କର ନା ଧରିତ୍ରୀଙ୍କର, ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମା ରାଧା ରୂପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ରୂପରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାମ ହେଲେ ଜାନକୀ ରୂପରେ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତା ହୋଇ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଭଗବତୀଙ୍କର। ତ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମ ଜନ୍ମ, ଯିଏ ରାମ ସିଏ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାମାବତାରରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ବାନର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ
ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କର ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଲୋକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଯିବା ପରେ ଧରଣୀ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବଚନ ଶୁଣିକି। ଏବଂ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବାନର ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ଦେବତାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅପାର ବଳ ପ୍ରତାପ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ପରାକ୍ରମୀ ବୀର ହୋଇଗଲେ। ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ନଖ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ବାନର ରୂପୀ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କୋଉ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଅବଧ ପୁରୀ ରଘୁକୁଲମଣି ରାଉ ବେଦ ବିଦିତ ତେହି ଦଶରଥ ନାଉ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀରେ ରଘୁକୁଲ ଶିରୋମଣି ଦଶରଥ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ, କାରଣ ରଘୁବଂଶର ପରମ୍ପରା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏହି ରଘୁବଂଶରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଜ କେତେ ମହାପୁରୁଷ। ଏହି ରଘୁବଂଶ ହେଉଛି ପ୍ରତାପୀ ବଂଶ, ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କର ବଂଶ, ବୀରମାନଙ୍କର ବଂଶ ରଘୁବଂଶ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ନଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଦଶରଥଙ୍କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁବଂଶର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ବଶିଷ୍ଠ ଯାହା କହିଦେବେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଭବନରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କାମ ଶୁଭ ଯଜ୍ଞ କରାବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର କାମଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ ହୋଇଛି। ଯଜ୍ଞ ପରେ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ କୌଶଲ୍ୟାଦି ଦିହ୍ନା ଉଭୟ ଭାଗ ଆଧେ କର କିହ୍ନା ତବାଇଁ ରାୟ ପ୍ରିୟ ନାରୀ ବୋଲାଇ କୌଶଲ୍ୟାଦି ତାହା ଚାଲି ଆଇ। ଚରୁ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଚରୁକୁ ପାଇଛନ୍ତି ରାଣୀମାନେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଯୋ ଦିନ ତେ ହରି ଗର୍ଭ ହିଁ ଆଏ ସକଲ ଲୋକ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଏ, ଭଗବାନ ଗର୍ଭରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆହା ମନ୍ଦିର ମହ ସବ ରାଜ ହିଁ ରାନୀ ଶୋଭାଶୀଲ ତେଜ କି ଖାନି, ସୁଖଯୁତ ଇଚ୍ଛୁକ କାଲ ଚଲି ଗୟଉ ଯେହି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଗଟ ସବ ଅବସର ଭୟଉ। ଶୋଭା ସଦ୍ଗୁଣ ଇଏ ତେଜର ନିଧାନ ହୋଇକରି ସବୁ ରାଣୀମାନେ ରାଜଭବନରେ ସୁଶୋଭିତା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ କିଛି କାଳ ସୁଖପୂର୍ବକ କଟିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ସୁଖ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନା, ଯୋଗ ଲଗନ ଗ୍ରହ ବାର ତିଥି ସକଲ ଭୟ ଅନୁକୂଳ ଚର ଅରୁ ଅଚର ହରଷଯୁତ ରାମ ଜନ୍ମ ସୁଖ ମୂଳ। ଆହା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ଗ୍ରହ ବାର ତିଥି ଇଏ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଜଡ଼ ଚେତନ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନା, ସକଳ ସୁଖର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବଂ କେଉଁ ତିଥି ନା, ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଆଜିର ଦିନ, ଆଜି ଦିନ ବାରଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଅଭିଜିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟ, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନଥାଏ କି ବେଶୀ ଗରମ ନଥାଏ, ସେହି ପବିତ୍ର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଶୀତଳ ମନ୍ଦ ସୁରବି ବହବାଉ ହରଷିତ ସୁର ସନ୍ତନ ମନ ଚାଉ ବନ କୁସୁମିତ ଗିରି ଗନ ମନିଆରା ଶ୍ରମଇ ସକଲ ସରିତା ଅମୃତ ଧାରା। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଶୀତଳ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମନ ଉତ୍ସାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଏ, ପୁଷ୍ପିତ ଶୋଭା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପର୍ବତ ସମୂହ ବିବିଧ ମଣିର ଝଲକରି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ନଦୀରେ ଅମୃତର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବସିକରି ଚାଲି ଆସିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଗଟ ହେବେ ନା। ଆଉ ଦେବତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ଭରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆକାଶରେ ଜୋରରେ ଦୁନ୍ଦୁବି ବାଜି ଉଠିଲା। ନାଗ ମୁନି ଦେବଗଣ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ବିବିଧ ସେବା ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ।
एवं भगवान प्रगट हेले भगवान अवतार भगवान जन्म नेले अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुबर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुबर लाल की ओ अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की भगवान कर प्रगट भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी दीनदयालु भगवान कौशल्यांकर हितकारी कृपालु प्रभु प्रगट हेले जन्म नेले आउ तांकर मुनिमनहारी अद्भुत रूप अवलोकन करी माता आनंद विभोर हो गले घन मेघ परि जाहांकर नेत्र नेत्रानंददायी आउ श्याम शरीर चतुर्भुजर निजर प्रसिद्ध आयुध अंगरे दिव्य आभूषण कंठरे वनमाल विशाल नयन विशाल वक्षस्थल इपरि शोभार समुद्र होती प्रभु एवं खर राक्षसर शत्रु भगवान प्रगटित होगले तुलसीदास जी महाराज आज कहते एवं भगवान जत प्रगटित होती आज प्रभु प्रभु को माँ कहते हे प्रभु आज हाथ को जोड़ी कहते माता कहते हे अनंत मुपरी तुम स्तुति करी प्रभु मुमि आप स्तुति करी वेद पुराण तो तुमको माया गुण और ज्ञान रतीत बोली कहते प्रभु परिमाण रहित बोली कहते प्रभु श्रुतिगण और संथजन माने दया एवं सुखर सगर बोली कहते एवं सर्वगुणर धाम कहीकि जहाँ को गुणगान करती तुम्हें से भक्तजन प्रेमी लक्ष्मीपति भगवान मोर कल्याण निमंते प्रभु आप प्रगट होती तेणु जी राम से ही जगन्नाथ महाप्रभु रामावतार रे प्रगट होती आज कौशल्या कृतकृत्य धन्य हो प्रभु को स्तुति करुंच कि भाव भगवान जिते प्रगट हेले शंख चक्र गदा पद्म श्याम वर्ण शरीर मणिमेखला अलंकृत दिव्य मंगल अर्चा विग्रह अवतार रूप ये रूप को देखिदेकर कौशल्या कहले प्रभु आउ देवता माने कहते तुमर प्रति रोमरे माया द्वारा रचित अनेक ब्रह्मांड हो कि प्रभु अच्छी ब्रह्मांड माल माल जालुम कूपे खेलु तेणु ब्रह्मांड जहाँ रोम रोमरे ब्रह्मांड प्रतिवेद कहे आउ माँ एपरी ज्ञान उदय होगापर भगवान देखिए हसिकी मुरुखिकी हसीदेले एवं से विविध लीला करने को चाहती तेणु माँ को हृदय बात्सल्य प्रेम जात हो गला जो कौशल्या टिके पूर्व प्रभुंर स्तुति करुले देखु प्रभुंर माया केते प्रबल से बात्सल्य प्रेम बुड़गले कौशल्या धन्य कौशल्या कारण परब्रह्म जहाँ कोल प्रकट हूँ से धन्य नुह से मातृगर्भ धन्य होनी अरे परमात्मा प्रकट होती तेणु भगवान पूर्वजन्मर सुंदर कथा सब जो माँ को मन पकड़ बुझेदे आँकर पूर्वबुद्धि बदली गला माँ कहले बाप ये जो रूप टिके तुम छाड़ ना मत लोक कौन कह अयोध्यावासी के कौशल्या गोटे पुओ जन्म विराट बड़ पुओ प्रभु ये विराट काय रूप को धारण करंतु प्रभु आपण शिशु रूप धारण करंतु कृपा करंतु कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा प्रभु आपण शिशु पर लीला करंतु प्रभु कारण ये
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଲୀଳା, ଇଏ ଶିଶୁ ଲୀଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ରୂପକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରନ୍ତୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଥିରୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବି, ମାଆଙ୍କର ମାଆଟିଏ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ଖେଳେଇଥାଏ ମା, ମାଆ ତାର ଆନନ୍ଦ ଜାଣିଛି, ଗର୍ଭର କଷ୍ଟ ମାଆ ଜାଣିଛି। ମା ଋଣ କେହି ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯାହା କରିଦିଅ ମା ଋଣ କିଏ ଶୁଝିବ, ବାପାଙ୍କ ଋଣ କିଏ ଶୁଝିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଋଣ କେହି ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଗତ ଜନନୀ, ଆଜି ମା କୌଶଲ୍ୟା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗତାଧାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଇଏ ରୂପକୁ ଛାଡ଼ି ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ବଚନକୁ ଶୁଣିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଭଗବାନ ବାଳକ ରୂପ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଶୁନି ବଚନରୁ ସୁଜାନା ରୋଦନ ଠାନା ହୋଇ ବାଲକ ସୁର ଭୂପା। ବାଳକ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଯେମିତି କୁଆଁ 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 ପରି କାନ୍ଦିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ବିପ୍ର ଧେନୁ ସୁର ସନ୍ତ ହିତ ଲିହ୍ନ ମନୁଜ ଅବତାର, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ମିତ ତନୁ ମାୟା ଗୁଣ ଗୋପାର, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅବତାରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନମୟୀ, ମାୟାର ଓ ତାର ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଗଠିତ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ମିତ ତନୁ, ତାହା କୌଣସି କର୍ମବନ୍ଧନର ପରବଶ ହୋଇ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶୁନି ଶିଶୁ ରୁଦନ ପରମ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚଲି ଆଇଁ ସବରାଣୀ, ଶିଶୁର ଅତୀବ ସେ ଯେଉଁ ରୋଦନ ଧ୍ୱନିକୁ, କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଦେଇକିରି ମା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସବୁ ରାଣୀ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇକିରି ଶୁଭ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ହର୍ଷିତ ହୋଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ଧାଇଁଲେ। ପୂର୍ବବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଶୁନିକାନା ମାନହୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସମାନା, ଆହା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିକିରି ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଜିଗଲେ, ମନରେ ପରମ ପ୍ରେମ, ଶରୀର ପୁଲକିତ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ସମ୍ଭାଳି ସେ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ରାଜା ଦଶରଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସକଳ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ସବୁ ଶୁଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ମୁଖକୁ ଦେଖିକିରି ଭକ୍ତମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲି ତୁମ୍ଭର ପଦ୍ମ ମୁଖ, ଗଲା ମୋ ସକଳ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀ ମନ ରାଜା କହାଁ ବୋଲାଇ ବଜାବନୁ ବାଜା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧ୍ୱଜ ପତାକ ତୋରଣପୁର ଛାଉ। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଆନନ୍ଦରେ, ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଧ୍ୱଜା ପତକା କଳସ ବସିକିରି ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ପର୍ବ ପାଳିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ପ୍ରଗଟ ହେଲେ। ଅପୁଆ ଘରେ ପୁଅ ଜାତ, ଅପୁଆ ଘରେ ପୁଅ ଜାତ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ମିଲି ଚାଲି ଲୋଗାଇ ସହଜ ଶିଙ୍ଗାର କିଏ ଉଠି ଧାଇଁ, କନକ କଲସ ମଙ୍ଗଲ ଭରିଥାରା ଗାଓତ ପୈଠେଇ ଭୂପ ଦୁଆରା, କରି ଆରତି ନେ ଓଛାବରି କର ହିଁ ବାର ବାର ଶିଶୁ ଚରଣ ନିପର ହିଁ, ମା ଗଧ ସୁତ ବନ୍ଦୀ ଗନ ଗାୟକ ପାବନ ଗୁନ ଗାଓଇ ରଘୁନାୟକ, ଆରତୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ବାଜା ବାଜୁଛି, ଭଣ୍ଡାର ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କୈକେୟ ସୁତା ସୁମିତ୍ରା ଦୌ ସୁନ୍ଦର ସୁତ ଜନମତ ଭେଇ ଓ, କୈକେୟୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ସେହି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୟ ଓ ସମାଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ସରସ୍ୱତୀ କିମ୍ବା ସର୍ପରାଜ ଶେଷଦେବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
अयोध्यापुरी एपरी शोभा पाइला जे लागिला सते जेपरी प्रभुंक सहित मिलन निमन्ते रात्रि चली आसी एवं किंतु सूर्यंकु देखिकिरि संकोचरे पड़ी जाइछन्ति समस्त पूर्णी मनरे किछि विचार करी से सते जेपरी संध्या होइकिरि रही जाउछि एवं वेद ध्वनि मधुर वचन एवं प्रजा माने बाघ जो घाटर पानी पीऊला छेली मध्य से ही घाटर पानी पीऊला राम राज्य तेणु भगवान प्रगट हेले काहीकि प्रगट हेले रावण को बध करिबा पाई किंतु प्रभु केते वर्ष लीला करछंती 11,000 वर्ष वर्ष दश सहस्राणी वर्ष दश शतानी च 11,000 वर्ष 11,000 वर्ष काहीकि रावण को तो प्रभु बध करदेले सरीगला काम आउ पुणी काहीकि रहिले पृथ्वी माता पाई कारण ये अत्याचार रावण अधिक करिथिला पृथ्वी को अति कष्ट अतीब कष्ट होता पृथ्वी को रावण को तो बध सरीगला भगवान पृथ्वी सहित अधिक समय बीतवापी पृथ्वी रे प्रभुंकर दिव्य लीला अलौकिक लीला अद्भुत लीला रामावतार बामांके स्थित जानकी परिलसत कोदंड दंडं करे चक्रं चोर्ध्ववरेण बाहुयुगले शंखं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्रार्दिमूर्तिं स्थितं केऊरादि विभूषितं रघुपते सौमित्रयुक्तां भजे भगवान प्रकट हेले अति अपूर्व भाव रे आज सकल धरा धन्य हो गला एवं सूर्य गले नाही मास पर्यंत भगवान शंकर मध्य रूप धारण करी साधु वेशरे प्रभुंक दर्शन पाई गले परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिरही मगन मन भूले आहा आज समस्त ब्रह्मानंद परमानंद रे निमग्न मजिकिरी अछंती एवं आज जितेबेले भगवान प्रगट हो जाइछंती तंकर नामकरण करा जीव आउ राजा दशरथ पूजा अर्चनार मुनिंकु पूजा करिकिरी राजा कहउछंती हे मुनि आपण मा आपणंक मनरे जेपरी भाविछंती कुमार मानंकु सेहीपरी नाम दियंतु मुनि कहउछंती आज हे राजन ए मानंकर अनेक अनुपम राम नाम रही कारण प्रभुंकर अनेक नाम रही इनके नाम अनेक अरूपा मेन रूप कहब स्वमति अनुरूपा कारण वशिष्ठ होती ज्ञानी सी जानी किए आसी किए प्रकट होती भक्त मान दर्शन करुंच अरुणस्तंभ पाखे आज जगन्नाथ महाप्रभु को राम रूप से चिंतन करुछंती कारण जगन्नाथ निजे राम सीए कृष्ण सीए बुद्ध सीए कल्कि सीए होउछंती सबकिछि तेणु से प्रभुंकर आज प्राकट्य पर्व तिथि जितेबेले नाम दियाजिबो कौन नाम दियाजिबो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते तैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम सनामा अखिल लोकदायक विश्रामा ये जो आनंद सिंधु ये सुखर राशि जहाँकर गोटे कृपाबिंदु पाई ये त्रिभुवन सुखी हो जाए आपण मानकर ज्येष्ठ पुत्रंकर नाम होची राम ये होची सुखर निधान सकल जगतर शांति शांतिदाता वशिष्ठ कही दौंट भरत विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत स होई जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश तेणु लक्षण धाम राम प्रिय
सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम रहा धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तव सुतचारी कारण प्रभुंकर प्रभु होउचंती आनंद सिंधु मन मन विचार करिकी गुरुदेव ये चारि कुमारंकर नाम रखिले कौन कौन ना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बारहिते निज हितपति जानी लक्ष्मण रामचरण रति मानी रामंकु निजर परम हितैषी प्रभु बोली मने करी जानी बाल्यकाल रु ही लक्ष्मण प्रभुंक चरण रे सबुले थांती एवं सेपरि भरत मध्य एवं शत्रुघ्न ये दुई भाईंक मध्य रे स्वामी और सेवकर प्रशंसनीय प्रेम स्थापित होला विभाव रे भगवानंकर आजि अवतार समय प्राकट्यर समय भगवानंकर एवं सुंदर भाव रे आपण देखिबे महाप्रभुंकर रूप प्रभुंकर रूप केमती रामंकर काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंजवारी दगंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनी बैठे जनु मोती प्रभुंकर रूप केमती ना तंकर नील कमल सम तथा घन मेघ तुल्य जो श्यामल शरीर प्रभुंकर श्यामल शरीर रे कोटि कोटि कामदेवंकर शोभा विराजित होता है अरुणाभ चरण कमल सहित नखर मध्य शुभ्र ज्योतिर शोभा शोभा मोती जड़ित होती रही दिशु थाए कित वर्णना देखते सुंदर भाव प्रभुंकर यहपरी भाव प्रभु प्रकट प्रभुंकर आविर्भाव आज पवित्र रामनवमी जी राम सी जग सी ही जगन्नाथ तेणु जगन्नाथ राम जगन्नाथ कृष्ण हमती जब जब होई धर्म के हानी बाड़ई असुर अधम अभिमानी धर्म जिते बड़े हानि हुए भगवान तब तब प्रभु धरी विविध शरीर नाना रूप धरिकी प्रभु आसंती नाना शरीर धारण करी आसंती संहार करती दुष्टजन मानू पाप को संहार करी धर्म स्थापना करी प्रभुंकर लीला सरी जाए तो प्रभु कहीं 11,000 वर्ष पर्यंत रहिले रघुनाथ राम कारण रावण अत्याचार रे काहा को बेसी कष्ट होता ये पृथ्वी को धरित्री माता रावण तो बध हो गला प्रभु कहीं एत दिन रहिले एथिपाई रहिले ये पृथ्वी रे जे पृथ्वी को अधिक कष्ट रावण अत्याचार रे पृथ्वी सहित अधिक समय प्रभु बीतवापी रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी राम सीए ही जगन्नाथ आज पवित्र रामनवमी आम स्वतंत्र भाव श्रवण करुले जी राम सीए ही जगन्नाथ जगन्नाथ होती राम जगन्नाथ होती कृष्ण बुद्ध कल्कि हलधर परशुराम सब होती जगन्नाथ जगन्नाथ जणी जगन्नाथ सब रूप धारण करें सब अवतार नहीं किंतु जगन्नाथों रूप को किए धारण करें ना ये होती ठाकुर महाप्रभुंकर दिव्य दर्शन ये समय मध्यान समय प्रभु राम को चिंतन कर अकिंचन बाणी को विराम देव समय आसी उपस्थित जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण मध्यम आसतु श्रवण करवा ये सुकंठी गायिका महाप्रभुंकर बाणी सेविका श्रीमती नमिता गुराल माँ भावपूर्ण कंठर सुंदर भावपूर्ण भजन जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।